सीट आज भारतीय जनता पार्टी जीती है, इसका मुझे गर्व है। ये सरकार इस देश के आदिवासियों ने बनाई है और वो सरकार बनने के बाद पहली बार हमने ओबीसी समाज के लिए भी, आदिवासी समाज के लिए तो ढेर सारे काम किए, ओबीसी समाज को भी संवैधानिक मान्यता देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, सबसे बड़ा काम हमने किया है। आज मैं यहां आया हूं तब एक बात आपको कहने आया हूं कि वीर बाबूराव सिड़मेक की भूमि, बाबूराव जी जैसे असंख्य आदिवासी स्वतंत्र सेनानियों ने अपने जीवन के बलिदान किए, मगर उनको इतिहास में उचित स्थान नहीं मिला। नरेंद्र मोदी सरकार ने आदिवासी स्वतंत्र सेनानियों के लिए अलग से शहीद स्मारक बनाने का निर्णय करकर वो आदिवासी वीरों को एक सम्मान देने का काम किया है। मित्रों, आप सबने लास्ट टाइम मैं चुनाव में आया था, देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार बनाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और एक गढ़चिरौली क्षेत्र, अहेरी विधानसभा क्षेत्र के लिए हमारी सरकार ने ढेर सारे काम किए। मोदी जी ने 115 पिछड़े जिलों को सूचीबद्ध किया, अपने गढ़चिरौली जिले को भी सूचीबद्ध कर उसके विकास की पूरी योजना बनाई। फॉरेस्ट के अंदर, वन के अंदर जो बांस उगता था, बांस की खेती होती थी, इसको वन अधिकारी काटने नहीं देते थे क्योंकि बांस को वृक्ष की व्याख्या में रखा था। मोदी जी ने बांस को कृषि की व्याख्या में रखकर सारे क्षेत्र में जो बांस होता है उसकी कटाई करने की परमिशन दे दी। मैं आपको बताने जा रहा हूं, यहां पर जो वन उपज का औद्योगिक क्षेत्र बनाने वाले हैं उसमें बांस के भी अलग अलग उपयोग के कारखाने लगाकर बहुत बड़ी मात्रा में हम यहां पर रोजगारी देने की बात करने वाले हैं। मित्रों, गत 5 साल के अंदर लघु वन उत्पादों को समर्थन मूल्य देने की बात करी कांग्रेस, 70 साल के अंदर सिर्फ 7 उत्पादों को समर्थन मूल्य देती थी, आज भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार 50 वन उत्पादों को समर्थन मूल्य देकर आदिवासी माताओं और बच्चों को अपना रोजगारी कमाने का मौका देने वाले हैं। मित्रों, सेरिकल्चर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भी हम काम करने वाले हैं और गढ़चिरौली जिला अस्पताल में कैंसर के लोगों का उपाय करने के लिए एक विशेष प्रावधान करने वाले हैं जिसे किसी को मुंबई नहीं करना। मैं आज यहां जब मेरे आदिवासी भाइयों बहनों के सामने, ओबीसी समाज के भाइयों बहनों के सामने आया हूं, तब कांग्रेस के नेता राहुल बाबा को पूछने आया हूं, 70 साल तक, 4 पीढ़ी तक आपने शासन किया, आदिवासी समाज के लिए क्या किया जरा बताओ। मित्रों, मोदी जी को आपने 5 ही साल का मौका दिया, 5 साल के अंदर आदिवासी समाज के लिए ढेर सारे काम करने का हमने मौका दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पूरे जिले के अंदर सिर्फ एक जिले में 1,30,000 शौचालय बनाकर आदिवासी माताओं और बहनों को सम्मान देने का काम किया। एक ही जिले के अंदर 48,000 गैस के सिलेंडर बांटकर इस क्षेत्र की माताओं को धुएं से मुक्त कराने का काम किया है। इस क्षेत्र के गढ़चिरौली जिले के 1,08,000 किसानों को सीधा 6,000 रुपया
नरेंद्र मोदी सरकार ने उनके खाते में डालने के काम किया। 48,000 आदिवासी घरों में बिजली पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और 8,000 आदिवासी गरीबों को घर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, मैं शरद राव और राहुल बाबा दोनों को कहना चाहता हूं कि आप जरा अपना हिसाब किताब लेकर आइए आहेरी की मेरी जनता के सामने कि आपने महाराष्ट्र, विदर्भ और आहेरी के लिए क्या किया है, गढ़चिरौली के लिए क्या किया है। मित्रों, हिसाब लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? जोर से बोले, हिसाब लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? वो हिसाब नहीं लाएंगे, मगर मैं लेकर आया और मैं शरद राव को चैलेंज देना चाहता हूं कि शरद राव जी, हिम्मत हो तो गढ़चिरौली के चौराहे पर हिसाब लेकर आ जाओ। मेरा युवा मोर्चा का अध्यक्ष आएगा, आपके 50 साल हमारे 5 साल हमारा पर्दा फाड़ेगा। हम चर्चा करने के लिए तैयार है। मित्रों, 10 साल तक केंद्र की सरकार कांग्रेस और एनसीपी के हाथ में रही, 15 साल तक महाराष्ट्र की सरकार केंद्र और एनसीपी के साथ रही, 10 साल के अंदर कांग्रेस ने महाराष्ट्र को क्या दिया? 5 साल के अंदर 13वें वित्त आयोग में 1,15,000 करोड़ दिया, 1,15,000। जरा बोलो माताओं बहनों, कितना दिया? जोर से बोलो, कितना दिया? और मोदी सरकार ने 5 साल के अंदर 1,15,000 करोड़ को बढ़ाकर 4,38,760 करोड़। नरेंद्र मोदी सरकार ने, देवेंद्र फडणवीस सरकार ने महाराष्ट्र का गौरव बढ़ाने का काम किया है। हर क्षेत्र के अंदर महाराष्ट्र को 1 से 5 में लाने का काम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया है। और मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मेट्रो बनाई, रोड बनाए, सिंचाई योजनाएं कराई, किसानों का कर्ज माफ किया, ढेर सारे काम करे हैं, मगर मैं इसके लिए बहुत लंबी बात करना नहीं चाहता। अभी और 3 जगह पे मुझे रैली करने जाना है, परंतु मोदी जी ने सबसे बड़ा अगर कोई काम किया है तो देश को सुरक्षित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी। आदिवासी समाज, इसके वीर युवा हमारी सेनाओं में सबसे ज्यादा था, भारत माता की रक्षा करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं। मित्रों, मगर 370 धारा के कारण कश्मीर के अंदर, सिर्फ कश्मीर के अंदर आतंकवाद के कारण 40,000 लोग मारे। ये कांग्रेस पार्टी धारा 370 को हटाने के लिए तैयार नहीं थी, अपनी वोट बैंक को मजबूत करने के लिए धारा 370 को हटाती नहीं। देश की जनता ने मोदी जी को 300 सीटों के साथ प्रधानमंत्री बनाया और मोदी जी ने पहले ही सत्र में 300 सीटों का उपयोग कर धारा 370 को हटाने का काम। और आज हमारा कश्मीर हमेशा के लिए भारत के साथ जुड़ गया, विकास के रास्ते पे चल पड़ा है, वहां आतंकवाद को निर्मूल करने की शुरुआत हुई। और ये शरद राव कहते हैं महाराष्ट्र का कश्मीर से क्या लेन देन? मुझे बताओ, मैं आदिवासी क्षेत्र में आया हूं, गढ़चिरौली वालों, आहेरी वालों, आप लोग कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? जोर से बोलो, चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? ये कांग्रेस पार्टी कहती है महाराष्ट्र का कश्मीर से क्या लेन देन, एनसीपी कहती है महाराष्ट्र का कश्मीर से क्या लेन देन। राहुल बाबा, इतिहास उठाकर पढ़ लो, शिवाजी महाराज और सावरकर का ये प्रदेश है, बाबू राव की भूमि है बाबू राव।
पूरे देश के लिए सुरक्षा करने के लिए, स्वराज के लिए इस धरती के सपूतों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और धारा 370 इस मामले पर मैं आज पूरे गढ़चिरौली जिले को कहने आया हूं कि आप नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 हटाई है, शरद पवार और कांग्रेस पार्टी का विरोध कर रही है। आपको तय करना है कि धारा 370 हटाने वाले के साथ रहना है या जो धारा 370 रखना चाहते हैं उनके साथ। मित्रों, ये चुनाव देश की सुरक्षा के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने सुरक्षा के साथ साथ सबसे बड़ा काम किया है, देश को दुनिया में सम्मान दिलाने का काम किया है। 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, मौनी बाबा मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और जब भी विदेश जाते थे और चले आते थे, किसी को मालूम ही नहीं पड़ता। अब नरेंद्र मोदी जी विदेश जाते हैं, इंग्लैंड जाए, अफ्रीका जाए, फ्रांस जाए, रसिया जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, चीन जाए, लंका जाए, भूटान जाए, नेपाल जाए, बांग्लादेश जाए, ब्रह्म देश जाए, जहां जहां जाते हैं हजारों हजारों लोग मोदी 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 के नाम पे, और कांग्रेस के पेट में दर्द होता है, उनको दुख होता है। रूठ कर राहुल बाबा विदेश चले जाते हैं, उनको होता है कि मोदी जी की प्रशंसा क्यों हो रही है। अरे राहुल बाबा, इतनी जलन न करो, ये प्रशंसा मोदी जी की नहीं हो रही, ये प्रशंसा मेरे गढ़चिरौली के मतदाताओं की, महाराष्ट्र के मतदाताओं की, देश के 125 करोड़ लोगों की हो रही है। 125 करोड़। अभी हाउडी मोदी का कार्यक्रम था, मोदी जी अमेरिका गए और मंच पर अमेरिका के राष्ट्रपति श्रीमान ट्रंप के साथ चढ़े, चढ़ते ही अपार जनसागर देखकर ट्रंप बोले बगैर नहीं रह पाए कि नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है, विश्व के सबसे। मित्रों, एक काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र और भारत ने प्राप्त किया है। और फिर से एक बार आपने ऊपर मोदी जी की सरकार बनाई है, नीचे देवेंद्र फडणवीस की सरकार बना दो, ये डबल इंजन सरकार गढ़चिरौली जिले का विकास का एक एक काम कर देगी, इसका आश्वासन देने के लिए। मुझे बताओ, आप हमारे अमरीश राजे आगे आइए, आप हमारे अमरीश राजे को जिताओगे क्या? सुनाई नहीं पड़ता, हाथ ऊपर उठाकर बोलो जिताओगे? फिर से भाजपा सरकार बनाओगे? देवेंद्र जी को सीएम बनाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? कमर के निशान पर बटन दबाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, विजय के संकल्प की मुट्ठी पीछे, आहिरी के अंदर रिकॉर्ड तोड़ विजय होना चाहिए, और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।